चाइना ताइवान के बीच वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। चाइनीज मिलिट्री ताइवान के चारों तरफ मौजूद समुद्र में मिलिट्री ड्रिल्स करने लग रही है। मिसाइल की टेस्टिंग की जा रही है। चाइनीज फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस में घुस जा रही है। साइबर अटैक किए जा रहे हैं ताइवान की सरकारी वेबसाइट पर। चाइनीज सरकार ने तो ये तक कह दिया है कि या तो ताइवान पीसफुली रीयूनिफाई हो जाए या हम जबरदस्ती ताइवान को इन्वेड कर लेंगे। तो क्या ताइवान सचमुच चाइना का पार्ट है? चाइना का क्या हक बनता है ताइवान पर? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। China conducted military drills in waters and airspace around Taiwan. Taiwanese officials only received confirmation of when Nancy Pelosi would visit at the very last minute. Pelosi was in Taiwan. Chinese government cannot dictate who can come. China's use of ballistic missiles in its week-long intimidation of Taiwan set a disturbing new about the timing of this and whether it might provoke some sort of reaction from China. पहले ताइवान चाइना का ही पार्ट था, लेकिन साल 1895 में सिनो जापानीज वॉर के बाद ताइवान जापान के पास चला जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हारने के बाद ताइवान फिर से चाइना के पास आ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साल 1947 में चाइना की दो पार्टीज आपस में लड़ने लगती है। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी केएमटी। कम्युनिस्ट पार्टी ये जंग जीत जाती है, जिसके बाद केएमटी पार्टी के लीडर चियांग काईशेक अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ मेनलैंड चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं। ताइवान पर ये अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर खुद की एक सरकार खड़ी करते हैं। करीब 25 साल तक रूल करने के बाद इनके बेटे गद्दी पर बैठते हैं। अब बात यह है दोस्तों कि इनकी जो केएमटी सरकार है वो एक समय पर पूरे चाइना पर रूल करती थी, इसलिए इनका कहना है कि पूरा चाइना ताइवान का है और एक दिन ये पूरे चाइना पर फिर से रूल करेंगे। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि पूरा चाइना उनका है, ताइवान भी। आज के दिन सिर्फ 15 देश ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। वैसे तो चाइना ताइवान का झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अभी जो क्राइसिस आई है इसमें अमेरिका का हाथ है। ये सब तब शुरू हुआ जब अमेरिकन पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करने गई थी। चाइना ने वार्न भी किया था कि वो ताइवान ना जाए। नैन्सी पेलोसी एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन है। ताइवान में उनका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन चाइना बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी पर साइन किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन अगर चाइना ताइवान को जबरदस्ती इन्वेड करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका अपनी मिलिट्री लेकर पहुंच जाएगा ताइवान को डिफेंड करने के लिए। लेकिन चाइनीज सरकार इतनी क्यों ऑब्सेस्ड है ताइवान को लेकर? एक छोटा सा तो आइलैंड है, छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों बेकार में वॉर का खतरा मोल रही है? इसका जवाब है पॉलिटिक्स। कुछ ही दिन में चाइना में प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाले हैं और शी जिनपिंग अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चाइना ताइवान में वॉर होती है तो हो सकता है चाइना अपने एक्सपोर्ट बंद कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भयंकर क्राइसिस आ जाएगी। दुनिया पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर के इफेक्ट्स को झेल चुकी है। अगर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए।